प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10709 की रिगार्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देना चाहता हूं। डेट आ चुका है आप सभी के हियरिंग को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एलपीए फाइल किया गया था, तो यहाँ पर एलपीए का यहाँ पर डेट आ चुका है सुनवाई को लेकर के कि कब यहाँ पर आप सभी का सुनवाई किया जाएगा। पूरी जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियली वेबसाइट हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो एलपीए 238 वही केस है, अर्चना कुमारी सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और वहीं नीचे आइएगा तो आप सभी को देखने को मिल जाएगा आप लोगों का चौथे सीरियल नंबर पर रखा गया है 15 तारीख को, यानी कि कल के डेट में हियरिंग होने वाला है। और साथ ही में दोस्तों चौथे नंबर पर ही है, यानी कि करीबन 12 बजे तक में आप लोगों का केस आ जाएगा और उसके बाद इस पर कार्रवाई चलेगी, सुनवाई होगा। अब देखिए, डिसीजन एक दिन में तो नहीं आ सकता है, हो सकता है एक और दिन यहाँ पर दिया जाए, उसके बाद आप लोग को फाइनल डिसीजन, जी हाँ दोस्तों, फाइनल डिसीजन देखने को मिल जाएगा कि आखिरकार बहाली में होगा क्या। साथ ही में मैं दोनों वेबसाइट से आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये ईकोर्ट का ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कल के डेट में यानी कि 15 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग रखा गया है, यानी कि गुड न्यूज आप सभी के लिए है। आप लोग की अब बहाली जल्द से जल्द, इस जो भी यहाँ पर होने वाला है डिसीजन लिया जाएगा, चाहे वो संविदा एनएम के पक्ष में हो, चाहे वो यहाँ पर आप कह सकते हो क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स है एग्जाम के उनके पक्ष में हो, वो अब देखने का मामला होने वाला है कि यहाँ पर जो न्यायाधीश है यानी कि जो हमारे जज साहब हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक अपडेट ये है कि आप सभी का कल हियरिंग होने वाला है। अब जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सभी अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और इस गुड न्यूज का जानकारी दे दीजिए कि कल आप सभी के केस का हियरिंग है, यानी कि ये पुरानी हियरिंग नहीं है। एलपीए जो फाइल किया गया है हाल ही में 7 तारीख को यहाँ पर किया गया था फाइल, और तुरंत जितना जल्दी हो सकता है प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जा रहा है। विभाग भी चाहती है, कोर्ट भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि बहाली को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तो ये यहाँ पर स्थिति है। बाकी आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों कोई शो में, तब तक के लिए गुड बाय।